सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग साहब। क्लियरली आपके बायस के साथ हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी ही एक अच्छी डिपेंडेबल स्पेस है जहाँ पर कुछ लॉन्ग बिल्ड किए जा सकते हैं। एंड LTIMindtree काफी दिनों से एक अच्छे हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है। जिस तरीके से अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर वापस एक क्लोजिंग आई है, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है जो ADX ने भी यहाँ पर एक हलचल दी है, ब्रेकआउट की उम्मीद दी है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव हो बन सकती है ड्यूरिंग द डे टुवर्ड्स इट्स 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 4700 के आसपास। तो 4740 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है LTIMindtree के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 4560 पर। LTIMindtree आ गया आईटी का पिक, कल नैस्डैक का अच्छा आउट परफॉर्मेंस। सतपुते साहब, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर तो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स पे है। मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा एम्फोसिस BFL। द रीजन क्योंकि यहाँ पे जो क्लस्टर था, जो रेजिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट बन के उभर के आ रहा है, जहाँ पे 100, 50, 20, 10 तो ये क्लस्टर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बैंड था जो इसने सरपास किया है। और हम देख रहे हैं कि पिछले आप कम से कम 10 ट्रेडिंग सेशन से इस बैंड को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एम्फोसिस बाय करेंगे 2100 के ऊपर। 2101 का कल का फ्यूचर में क्लोज है। तो 2100 के कॉल राइटर जो थे वहां पे शॉर्ट स्क्वीज में रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, करीबन 2180 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 2080। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।